तो जितने भी विद्यार्थी हमारे इंग्लिश की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ना, तो पैसेज आता है सबसे पहले तो बेटा अपने क्वेश्चन नंबर एक में, तो पैसेज को तो मैं अलग से आपको सोल्व कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो थ्री है इसमें आपकी एप्लीकेशन रहती है, यहाँ से सीख लूँगी, ठीक है। तो सीख ली की एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है बढ़िया से ये, और बहुत ही सिंपल है एप्लीकेशन जो सीख ली की, बहुत ही सिंपल है। देखो टूडा प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ऑन एप्लीकेशन फॉर सीख ली, सर आई बैक टू से डेट, आई बैक टू से डेट, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ ऑफ क्लास टेंथ ऑफ यूअर स्कूल, आपकी स्कूल का, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, मैं कल से क्या हूँ बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है टू टेक बेड रेस्ट सो आई कैन अनेबल टू अटेंड माई द क्लास, काइंडली ग्रांट मी लीव टू डेज, ये दो दिन की छुट्टी दे दो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बेटा है ना वो क्या करता है टीसी की एप्लीकेशन भी पूछ लेता है, तो ये टीसी के लिए, क्योंकि हर जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आते हैं, इसलिए मेरा उद्देश्य क्या है हमारे बच्चों को सही जानकारी दे दें। चलिए अब ये तो चीज़ को अपन रखते हैं साइट में, और आपका वंडर आप साइंस का जो ऐसे आता है उसको देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ रहता है पांचवा रहता है उसमें ना वंडर ऑफ साइंस का निबंध आएगा, और 100% श्योर आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको कवर का आप कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन सिक्स की बात करते हैं ना यहाँ पर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स में बता देता हूँ बेटा यहाँ से, ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स रहेगा, इस तरीके से आपका एक ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका स्क्रीनशॉट लेके इतना सा आपको लिखना है, ये हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो सात है उसमें देखते हैं क्या है आपका, बढ़िया से इसको सब साइड में रखते हैं, ठीक है, फालतू रजगल काम हो गया इनका तो। अब क्वेश्चन नंबर जो सेवन, तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर अपन देखते हैं पूरे जो आपके क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है यहाँ से लगा के क्वेश्चन नंबर जो 16 तक है ना, ठीक है 16 तक है, वहाँ तक के पूरे क्वेश्चन एक साथ अपन सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे, ताकि हमारे बच्चे टॉप करेंगे, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है ना। ये देख लीजिएगा आपको यहाँ तक हो गया है, इसके बाद में ये आपका यहाँ पर, ठीक है भैया, इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट लो कि व्हाट वर द पीपल इन केंजिया फैमिली, केंजिया के परिवार में कौन कौन लोग थे, ठीक है। तो उसकी फादर थी, मदर थी, ग्रैंड मदर थी, एंड सी हिमसेल्फ, वो खुद भी थी, ठीक है भैया। कि व्हाट डिड फादर ऑफन गेट इरिटेटेड विथ केंजिया, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं इतना हो गया है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा छोटा कर देता ना ताकि दिक्कत नहीं आई हमारे बच्चों को, है ना भैया। इसके बाद में आप यहाँ से ये स्क्रीनशॉट लोगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर दो, फिर इसके बाद में यहाँ से, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहेगा, इसके बाद में यहाँ पर ये हो गया इतना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हो जाएगा अब्दुल, व्हाट डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज फादर, अब्दुल कलाम किस तरह अपने पिता के बारे में वर्णन करते हैं, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जल्दी से, तुरंत आप तो लेते जाओ, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए, इसलिए अपन यहाँ पर थोड़ा सा एक साथ ही सारी चीज़ों का एक साथ दे रहा हूँ मैं ना, जितने भी आपके पेपर सेट आ रहे हैं MP के हर ज़िले में अलग आ रहे हैं सबका बेटा एक साथ ही दे रहा हूँ, इसके अलावा अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पेपर क्वेश्चन सारी चीज़ इसमें ही है ना, क्वेश्चन आंसर जवाबदारी है, आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो केवल, है ना, कुछ अनावश्यक चीज़ें बतानी पड़ती है ना, आप कुछ समझदार है यार, है ना, डायरेक्ट लिए नहीं बता सकते जी, जिन जिन पर एम लिखा हुआ है ना बस उनको ही आपको करने हैं। यहाँ पर आगे व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोयम,
ये रहेगा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर टू देख सकते हैं, इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड फाइव वे इन विच वी ऑल आर अलाइक, पांच बातें बताइए जिससे लगता है कि हम सब एक जैसे हैं। द पोएट सेज वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स बट आवर बॉडी इज सेम, हम कपड़े तो अलग अलग तरह के पहनते पर हमारी बॉडी क्या एक समान ही। वी वॉक ऑन द सेम प्लेटनेट्स प्लांट्स ग्रह पर चलते हैं। एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल इज द सेम, वी ऑल ईट हम खाते हैं, वी ऑल ड्रिंक वाटर हम सब पानी पीते हैं। ठीक है भैया, हो गया इतना, ये आपको क्वेश्चन में इतना करना है। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, इसके अलावा आपको अलग से कोई सी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक वीडियो ज़रूर मैंने बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा आप कि परीक्षा में बिना पढ़े कैसे पास हो, उसमें ट्रिक दी है मैंने आपको। ठीक है, क्वेश्चन याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा किस तरह से आपको क्वेश्चन याद करना है, नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, और याद भी नहीं भी कर पा रहे हो तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप, परीक्षा में बिना पढ़े कैसे पास हो। ठीक है, चैनल पर जैसे जाओगे तो मिल जाएगा आपको। ये हो गया इतना।